हाउ स्ट्रॉन्ग इज गू किम? क्योंकि हमें पता है कि गन पार्क के पास डैडी जीन्स हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड है और उसने सारे के सारे मार्शल आर्ट अंडर द सन मास्टर किए हैं, तो फिर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गू किम के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कैसे गन पार्क का राइवल कहला सकता है? गन फैन बॉयज़ को लग रहा होगा कि गन पार्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गू किम से, बट मेरे ओपिनियन में दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों इतने ज़्यादा इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं और राइवल्स हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो तो एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि टोटल अपोजिट। जैसे कि मैं बताता हूँ कि उनकी आइडियोलॉजीज कैसे डिफरेंट है। गन पार्क अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी बॉडी में टैटूज रखता है, और उसके ऑपोजिट गू किम को बॉडी को प्योर रखना पसंद है और वो अपनी बॉडी में टैटूज ज़रा से भी पसंद नहीं करता। गन पार्क पैसा कमाना चाहता है लेकिन वो कोई भी बुरा काम नहीं चाहता है जिसके कारण जेल जा पाए वो, लेकिन गू किम इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो चाहता है कि पैसों के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, वो पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी रेडी है। एज वी नो कि जो जॉन गू किम है और जोंगन किम है दोनों इक्वल हैं, तो मेरी एक थ्योरी है कि जो गू किम का डैड है वो गैप्रम किम हो सकता है, क्योंकि जो गन पार्क का डैड है वो अगर एक लेजेंडरी कैरेक्टर हो सकता है तो उसका राइवल का डैड भी मे बी एक लेजेंडरी कैरेक्टर हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता यार? तुम लोग ही सोचो, जो विंजिन है उसका डैड भी एक लेजेंडरी कैरेक्टर हो सकता है, तो गू किम का डैड तो हो ही सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने देखा था कि कैसे जिचेंग और टॉम ली कहते हैं कि गैप्रम किम के बहुत ही सारे बेटे थे। गैप्रम किम हैज़ मेनी चिल्ड्रंस, तो हो सकता है कि गैप्रम किम के दो या दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो और उनमें से एक हो गू किम। वी नो दैट कि गैप्रम किम की दो साइड्स थी, अ गुड साइड एंड अ बैड साइड, और गू किम की भी दो साइड्स हैं, एक गुड साइड और दूसरी बैड साइड। कैसे हमें पता है कि एक बार जब गू किम वास्को के मिडिल स्कूल में जाता है तब वो वास्को की मदद बिल्कुल फ्री में कर देता है, ये उसकी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी गुड साइड को दिखाता है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि गैप्रम किम के जो मतलब रियल में दो बेटे हैं जो अभी तक हमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जेक किम गुड साइड को लिया है और जो गिताई किम है वो बैड साइड को लिया है, और ऐसा हो सकता है कि गू किम मिडिल चाइल्ड हो इसीलिए उसके पास गुड साइड और बैड साइड दोनों हो। माई थ्योरी इज़ दैट कि जो गैप्रम किम है वो एक मे बी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कभी सोया होगा और गू किम उसका बेबी हुआ होगा, बट गैप्रम किम को गू किम के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसके जो सारे फ्रेंड्स हैं यानी कि जीरो जनरेशन के मेंबर्स उनके उन्हें पता है गू किम के बारे में, और टॉम ली को तो 100% पता है। मुझे ये पूरी तरह से शक है कि टॉम ली को पता था गू किम के बारे में। गू किम हो सकता है कि वो अकेला पला बड़ा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मॉम ने उसे गार्बेज में फेंक दिया हो और बाद में वो बस एक स्वॉर्ड्समैन या स्वॉर्ड मास्टर ने उसे अडॉप्ट कर लिया हो और वही स्वॉर्ड मास्टर ने उसे बड़ा किया होगा। गू किम मेरे ख्याल से टॉम ली को हेट करता है, क्योंकि टॉम ली को पता था कि गैप्रम किम का कोई एक बेटा है, लेकिन फिर भी टॉम ली कभी मदद करने नहीं आया। इसीलिए गू किम कहता भी है कि अगर मैंने टॉम ली को वापस कभी देखा ना तो मैं उसकी आँखें निकाल लूँगा। बट आप लोग में से काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अगर गू किम के पास डैड जीन्स है तो फिर वो वेपन के साथ क्यों फाइट करता है? क्योंकि जो गू किम है वो गैप्रम किम को हेट करता है बाकी के बेटे की तरह, और इसी कारण से गू किम वेपन्स को यूज़ करता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे सोचे कि वो गैप्रम किम का बेटा है, वो चाहता है कि लोग उसे कहे द वेपन जीनियस गू किम। चलिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि कैसे वो जो जिनच्योल है यानी कि मैनेजर किम में जिसे हम वॉर गॉड के नाम से जानते हैं, वो उसे हैंड टू हैंड में कितनी अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा था, जबकि मैनेजर किम का यूनिवर्स 3 साल पहले एग्जिस्ट करता है लुकिज्म से। बोलते हैं जो गू किम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक था एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट गू किम, फिर भी वो उससे हैंड टू हैंड में काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ाइट कर पा रहा था। इसका मतलब है कि वो हैंड टू हैंड में फ़ाइट कर सकता है। जस्ट बिकॉज वो फ़ाइट नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ाइट नहीं करना जानता। और जैसे कि मैं और काफ़ी सारे प्रूफ रखना चाहूँगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि गू किम जब बेसमेंट हल्क से फ़ाइट कर रहा होता है तब तो ग्योलबेक कहता भी है कि गू किम सीरियसली कभी फ़ाइट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो डरता है कि उसकी जो असली रूट्स है, असली उसका बैकग्राउंड दिख जाएगा कि कैसे वो एक गैप्रम किम की एक बस गलती है, गैप्रम किम की एक बस एक बास्टर्ड सन है। जैसे कि हमें पता है कि गू किम का जो रियल हेयर है मे बी ब्लैक कलर में होगा और वो बाद में जाकर अपने हेयर को ब्लॉन्ड कलर में फिक्स करा लिया होगा क्योंकि उसे ब्लैक हेयर पसंद नहीं है और वो हेयर उसके डैड को रिप्रेजेंट करता है। ये थ्योरी सिर्फ मेरे अकेले की ही नहीं है, वी मैट भी इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गू किम सीरियसली फाइट करे और किसी तरह से उसे वेपन ना मिले या फिर उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा?
तब उसे हैंड टू हैंड में फ़ाइट करना ही होगा और वो अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश करेगा, लेकिन वो खुद नहीं होगा। ही विल बी द सन ऑफ गैब्रियम किम, ही विल नॉट बी द वेपन जीनियस गो किम। इसीलिए वो यूज़ नहीं करता अपना हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज़्यादातर, और सीरियस नहीं होता, और वो वेपन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। गु किम नहीं चाहता है कि लोग उसे कहें कि वो गैब्रियम किम का बेटा है। वो गैब्रियम किम की शैडो में नहीं जीना चाहता। वो चाहता है कि लोग उसे खुद एक नई नज़रिए से देखें, ना कि गैब्रियम किम की शैडो या सन के ज़रिए से। सो इतनी दूर तक अगर मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो थैंक्स कहना चाहूँगा सबको, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में लगभग 600 प्लस लाइक्स आ जाएँ। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर गु किम बेटा है गैब्रियम किम का, तो ये स्टोरी में किस तरह से हिंड्रेंस डाल सकता है। और हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कि गु किम किसी का बेटा नहीं है, उसके पास कोई डैडी जीन्स नहीं है, कोई मोड नहीं है, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हो सकता है कि उसका डैड गैब्रियम हो, और ये भी स्टोरी में काफ़ी अच्छा एक कैरेक्टर बिल्डअप करेगा कि कैसे वो कभी अपने डैड के मोड या डैडी जीन्स मोड में कभी भी आया ही नहीं, और उस पर कभी डिपेंडेंट रहा ही नहीं। इससे हमें सैमुअल के कैरेक्टर को एक नया डेप्थ मिल सकता है कि सैमुअल हमेशा जेक को देखता है कि जेक स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ हिज डैड, बट गु किम कभी अपने डैड पे डिपेंडेंट ही नहीं रहा। तो इससे वो एक उसे नए नज़रिए में देख सकता है कि डैड एक अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता।